मैं चाहता हूं कि लोगों की जानकारी के लिए अभी तक का जो प्रोसीजर हुआ है, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसके ऊपर हमने जो रिप्लाई दे रहे हैं, उसका आप कैसे कंक्लूड करेंगे और उसके बाद फिर आगे का हम फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो आप सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताइए कि जो कंफ्यूजन मीडिया क्रिएट कर रही है और जो हमारे बारे में जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है, उसका एक्चुअल में क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा सर? मेरे प्यारे देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों और पांडे साहब, जो आपने सवाल किया है, जो पिछला अपडेट के मुताबिक गवर्नमेंट ने 21 तारीख को अपना जो उन्होंने डिटेल्स मांगी थी वो एफिडेविट के ऊपर कोर्ट में दी और कोर्ट की कॉपी हमको भी मिली और उसका रिप्लाई कल रात को हमने उसका काउंटर दिया। सबके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सरकार को, सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया और वो हमको भी मिला, वो बिल्कुल ही इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक को भी दे दी जा रही है और कोर्ट को भी दी जा रही है। जैसे कि ये जो डिफरेंस वन रैंक वन पेंशन का 2014 से पहले रिटायरी और 2014 के बाद के रिटायरी, जो हमारा केस है कोर्ट में कि वो जो उन्होंने 7 नवंबर को 2015 को जो गवर्नमेंट ने लेटर इशू किया है उसके मुताबिक जो प्री एंड पोस्ट 2014 बन गए दो टाइप के, लेकिन सेम क्लास के, और सेम क्लास के जो डिफेंस पर्सनल हैं हमारे सिपाही नायक हवलदार को सारे रैंक्स 2014 से पहले वाले और बाद में, जो फर्क नहीं होना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक। पूरे देशवासियों को मालूम है कि वन रैंक वन पेंशन का जो अप्रूव्ड डेफिनेशन है जो कि 2009 से चल रही है और 2014 में उसको पार्लियामेंट में बताया गया कि डिफेंस पर्सनल सेम रैंक के और सेम लेंथ ऑफ सर्विस, रैंक नायक सर्विस 19 साल, उन दोनों को कंपेयर किया है, उनकी पेंशन जो है वो एक होनी चाहिए, रिटायरमेंट कभी भी हुई। ये क्यों किया गया सरकार ने? क्योंकि जो डिफरेंस था पहले पे में, जो पहले रिटायरीज थे और बाद में रिटायरीज थे, सेम सर्विस और सेम रैंक थे, लेकिन वो इक्वल नहीं थे। उस गैप को ब्रिज करने के लिए, मतलब एक करने के लिए ये वन रैंक वन पेंशन लाया गया। सरकार ने सोच विचार करके ये पॉलिसी लाए है, जो बाकी के जो बेनिफिट्स मिले हुए हैं वो बेनिफिट्स अगर पहले के दिए हैं तो वो बेनिफिट्स तो ऑलरेडी विड्रॉ नहीं होंगे। नई जो स्कीमें आती हैं वो पिछले वालों के इंप्रूवमेंट के लिए आती है, ना कि उनको विड्रॉ करने के लिए। तो वन रैंक वन पेंशन 2014 में दिया गया फरवरी की 17 तारीख को, दोनों सरकारों ने माना, ये डेफिनेशन अप्रूव हो गया। तो अभी जो यूनियन ने बताया है गवर्नमेंट ने थ्रू ASG कि हम तो सिर्फ कह रहे हैं जी रैंक अगर एक है तो एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं, हम कह रहे हैं रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस। जो उन्होंने एफिडेविट अभी सबमिट किया है उसके मुताबिक ये है कि हम मांग रहे हैं कि एक रैंक जैसे कि नायक है, सभी नायकों को एक जैसा हो जाए, चाहे वो 1 साल का है, चाहे 8 साल का है, 10 साल। नहीं, हमारा जो केस है वो ये है कि एक रैंक और एक जैसी लेंथ ऑफ सर्विस को एक पेंशन मिलनी चाहिए, जो सरकार ने आप डेफिनेशन दिया वो नहीं दिया। सर अभी तो बहस हो रही है, अभी तो बहस चल रही है, इसमें तो टोटली मुद्दा ही शिफ्ट हो गया सर। वन MSEP और ये दुनिया भर के क्लॉज ला करके, और अभी हम जो सुन रहे थे जो कोर्ट में जो हमारे ASG बहस कर रहे थे, वो तो पूरा गवर्नमेंट को, जज को कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा लग रहा है क्या सर? देखो ऐसा है, जो उन्होंने सबमिट किया अभी ये डिटेल्स, वो हमने इसका रात को काउंटर भी दे दिया है जो कि कोर्ट के पास है जी। हमने ये प्रूव किया है, ना ही सिर्फ वो मिसलीड कर रहे हैं, मिसलीड ग्रॉसली रॉन्ग जो उसके फिगर्स हैं वो दे रहे हैं। जैसे कि सरकार, इन्होंने जो अप्रूव किया पहले, हमने, इन्होंने बोला जी हम तो मैक्सिमम मांग रहे हैं, जो ऑप्शन 4 है वो ऑप्शन है सभी को X ग्रुप देने की, हम नहीं मान रहे। हम तो मांग रहे हैं जिस ग्रुप का है, जिस ग्रुप का है उसके लिए,
और उसका टोटल वैल्यू जो था 8298 करोड़ रुपया हमने नहीं वर्कआउट किया जी, वो उस वक्त सरकार ने वर्कआउट किया, उसके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने वर्कआउट किया और वो पेपर्स में है। वो हम मांग रहे थे जो कि एक्स को एक्स वाई को सर, जो कि सही होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम वो मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं मैक्सिमम ऑफ द ग्रे ग्रुप उस रैंक का। वो सरकार ने आप 17 जनवरी 2013 से ऑलरेडी लागू किया हुआ है। सरकार ने चिट्ठी दी हुई है कि जो पेंशन है सभी जवान और ज्येष्ठ साहबान की वो वर्कआउट की जाएगी मैक्सिमम ऑफ द ग्रेड ग्रुप, मैक्सिमम ऑफ द ग्रुप, तो उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। तो 13 में उन्होंने उनको मीन क्यों कर दिया? हम तो वो बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें चाहिए एक्स ग्रुप को सभी को दे दो, नहीं। ये भी बता रहे हैं ऑप्शन फोर तो हम जी हाईएस्ट मांग रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि हम उसमें लिखा क्या है एक्स ग्रुप, हम एक्स ग्रुप नहीं मांग रहे। तो टोटली गवर्नमेंट यूनियन थ्रू ASG वो कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, रॉन्ग फिगर्स दे रहे हैं और बिल्कुल जो वो अपनी तरफ से वो लॉजिक दे रहे हैं वो इनएक्यूरेट है और वो हमारी तरफ से हम किसी भी लॉजिक से हम कौन है, हम भी तो सरकार के सिपाही हैं, हमने देश की सेवा करी, थोड़े साल पहले की बात है और आज के भी हमारे सर्विस लोग हैं। कौन कहेगा कि वन रैंक वन पेंशन जो डेफिनेशन दिया है वो ही होना चाहिए, दूसरा नहीं? सभी यही कहते हैं, अभी क्यों बोल रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए? और सर अभी जो बहस चल रही थी उसमें ये भी लग रहा है कि जितनी बार बहस होती है उतनी बार इनका गोल शिफ्ट हो जाता है और ये नई परिभाषा लेकर आ जाते हैं, नई चीज जोड़ लेते हैं। तो जज अभी हमारे जो डिफेंस काउंसिल है अहमदी साहब, उन्होंने तो ये बोला है कि भाई हम इसको क्लियरिफाई करेंगे, गोल पोस्ट आप शिफ्ट कर रहे हो हम नहीं, ऐसा है? देखिए आज जो है वो हमारा काउंटर भी है और उनका जो उन्होंने जवाब दिया वो दिया है। अभी सारा मुद्दा कोर्ट के सामने आ गया है, हम अपनी जो लॉजिक है वो दे रहे हैं कि ASG साहब और यूनियन कोर्ट को मिसलीड कर रही है रॉन्ग फिगर्स देकर और वो ये बताना चाहती है कि जो दिया वो ठीक है। अभी समझ तो ये चल रहा है, हमारा अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो बहुत तरीके से समझ गए इस चीज को और वो उनके पास एक एक पॉइंट क्लियर है जी। जब उनको पूरा टाइम मिलेगा 20 के बाद 15-20-30 मिनट तो उसके अंदर वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर दें जो सरकार ने फिगर वर्कआउट करके दिए हैं वो गलत है, जो फिगर हम दे रहे हैं जो सरकार की ओर से है वो वन रैंक वन पेंशन है। हम केवल वन रैंक वन पेंशन मांग रहे हैं उसी रैंक और उसी सर्विस के लिए, ना कि हम सिर्फ रैंक के लिए मांग रहे हैं। आगे हम चुनके देखते हैं लोहाने साहब और हमें पूरा यकीन है कि हम उसको देखें। ग्रुप कैप्टन गांधी साहब भी उस बहस में है क्या सर? हाँ, ग्रुप कैप्टन गांधी साहब उसमें है, वहाँ बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है तो वो भी उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। और सर आप लोग कल कितने बजे? अभी गांधी साहब का टेलीफोन आ गया है, लेट अस आस्क। हाँ जी बीके जी, हेलो हेलो बीके,